नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। केरल में कोसिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली। रनवे पर विमान फिसलने के बाद विमान क्रैश हो गया और दो हिस्सों में टूट गया। विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें 190 से भी ज्यादा लोग सवार थे। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। DGCA के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB-1344 बोइंग 737 दुबई से कालीघाटी आ रहा था। विमान में 190 से भी ज्यादा लोग सवार थे। भारी बारिश के कारण रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और घाटी में गिर गया। वहीं विमान दो टुकड़ों में टूट गया है। विमान में 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, इसमें 10 बच्चे भी शामिल थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। विमान हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राहत बचाव का काम किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर 05654639003, हेल्पलाइन नंबर 05430909572, हेल्पलाइन नंबर 05430909572, हेल्पलाइन नंबर 05430909575 भी जारी किए गए हैं। इस विमान को वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को वापस लाया जा रहा था। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।